उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष का जो नजरिया और विपक्ष का जो रवैया इस वक्त दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस वक्त न सिर्फ नाराज है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस जो लंच का जो अरेंजमेंट उन्होंने किया था, उसमें विपक्षी पार्टियों को दावत दिया था, बुलाया था, मगर उन लोगों ने अपने बिंदुओं अपनी मांगों को लेकर के वो लोग अड़े रहे और इस लंच में, इस भोज पर आए नहीं। और यही वजह रही कि इस दौरान जब मुख्यमंत्री को यह जानकारी मिली, वो अकेले ही लंच के लिए आगे बढ़ गए। तस्वीरें आप देख रहे कि किस तौर पर विशेष बजट का यह विशेष लंच, जिसके लिए न्योता दिया गया था विपक्षी पार्टियों को, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने अपने मुद्दे और अपनी बातें और अपने पक्ष को लेकर के इस लंच में जाने से इनकार किया और उसके बाद में मुख्यमंत्री खुद ही अकेले लंच के उस कक्ष में बढ़ते हुए दिखे, जहां पर इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री लंच करते हुए। हमारे सहयोगी और उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, अब ये जो टसल दिख रहा है बजट सत्र के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो टसल लंच पर भी दिखा? बिल्कुल, देखिए जब परंपरा रही है कि जब भी बजट सत्र का आयोजन किया जाता है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक आम बजट पेश किया जाता है, तो उस वक्त जो एक लंच जो है दिया जाता है, सदन की परंपरा रही है। और उस दौरान न सिर्फ नेता सदन की हैसियत से मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति समेत तमाम जो विपक्षी दल है उनके सदन के नेता मौजूद रहते हैं। तो ये सदन की पुरानी परंपरा रही है और क्योंकि लगातार जो बजट संचालित किया जा रहा है आज, और उस परंपरा का आखिर पालन विपक्षी पार्टियों ने किया क्यों नहीं, क्या असल वजह रही? बिल्कुल, देखिए बड़ी वजह यही है कि सदन की तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार जो सदन की प्रक्रिया है उसको संचालित करने की, जारी रखने की जरूरत है। और जिस तरह से पहले भी देखा गया तो अलग अलग सत्र में ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से दावे जरूर किए गए तय समय तक बजट की जो प्रक्रिया है, जो सत्र, माफी चाहूंगा, सत्र की जो प्रक्रिया है उसको संचालित करने के लिए, जैसे पहले ही उसको खत्म कर दिया गया। इस बार भी कुछ ऐसे ही आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष की मांग है कि सदन की कार्यवाही चलने तय समय 7 मार्च तक चलने दी जाए, और उसी का विरोध स्वरूप आज जो लंच जो आयोजित किया गया था उसमें विपक्ष के जो नेता है, जो सदस्य है, वो वहां पर मौजूद नहीं है। और अभी भी इस वक्त देखिए विधानसभा में जो न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि अन्य जो विपक्षी दल है उनके नेता जो सदस्य है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं और मुंह पे पट्टी बांधे हुए हैं। और साफ तौर पर उनका विरोध इस बात को लेकर है कि भले ही हमारी बात यहाँ पे सदन के अंदर न सुनी जाए, भले ही हमें बोलने का मौका न दिया जाए, लेकिन जो सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि साल में 90 दिन तक जो है सत्र की कार्यवाही चलिए। शुक्रिया हरेंद्र।